यदि आप भी गर्मियों की छुट्टी में यात्रा करने वाले हैं एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच में और आपके पास टिकट तो है लेकिन कंफर्म नहीं है, तो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में हम कुछ नई स्पेशल ट्रेन लिस्ट के बारे में जानेंगे कि जो कि आपके समर स्पेशल ट्रेन के नाम से लॉन्च हो चुकी है, कब से चालू होंगी, कहां से कहां तक चलेंगे, सारा कुछ आज के इस नए वीडियो में हम डिटेल्स में जानने वाले हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ग्रीष्मकालीन विशेष रेलगाड़ियां 2024 की संख्या में वृद्धि, जो विशेष रेलगाड़ियां यानी कि स्पेशल ट्रेन से उनकी संख्या में वृद्धि की गई है और जो नई लिस्ट है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये काफी लंबी लिस्ट है लेकिन मैं आपको एक एक ट्रेन के बारे में बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी स्पेशल ट्रेनें आपको देखने को मिल जाएंगी नई वाली। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है जो पहली ट्रेन है वो मऊ आनंद विहार से फिर मऊ चलेगी और इसके टोटल 20 फेरे होने वाले हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका ट्रेन नंबर क्या रहेगा, 0501 और 0502। अभी यहाँ पे इनका टाइम भी आप देख सकते हैं और इनके चलने की तिथि आप देख सकते हैं, 0501 मऊ और 0502 आनंद विहार से चलेंगी और दिनांक 25/4/2024 से 27/6/2024 तक चलेंगी। जी हाँ फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, हालांकि ये साप्ताहिक ट्रेन है इसलिए ये गुरुवार को दिन ही चलेगी। अब उसके बाद से आप देख सकते हैं कि इनमें कौन कौन सा कोच लगा रहेगा, जैसे 2 टीयर 3 टीयर इकोनॉमी शयनयान यानी कि स्लीपर और सामान्य। अब देखिए ये कहाँ कहाँ से होकर गुजरेगी, आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे रुकने वाली है, वो सारे स्टेशन का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। अब उसके बाद से अगली ट्रेन की बात कर लेते हैं, जो अगली ट्रेन है वो भी मऊ आनंद विहार मऊ है। अब ये इसके 18 फेरे लगने वाले हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनका ट्रेन नंबर ये है और इसका जो चलने की तिथि है वो आप देख सकते हैं, 0/3/09 मऊ से दिनांक 28/4/2024 से 23/6/2024 को चलेगी। जी हाँ फ्रेंड, देखिए ये रविवार को चलेगी, ये भी साप्ताहिक ट्रेन है आप देख सकते हैं, और 0/3/10 आनंद विहार से दिनांक 29/4/2024 से 24/6/2024 प्रति सोमवार को चलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साप्ताहिक ट्रेन यानी कि वीकली ट्रेन की संख्या बहुत ही ज्यादा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अगली जो ट्रेन है छपरा आनंद विहार से छपरा चलेगी, जिसके 20 फेरे होने वाले हैं। इनका टाइमिंग आप देख सकते हैं अप और डाउन दोनों का ही, और यहाँ पे ट्रेन नंबर भी देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इनका जो चलने की तिथि है वो आप देख सकते हैं कि 0/3/17 छपरा से दिनांक 27/4/2024 से चलेगी, 29/6/2024 तक ये ट्रेन चलने वाली है। चूंकि साप्ताहिक ट्रेन है इसलिए शनिवार को चलेगी। अब यहाँ पे आप देखते हैं 0/3/18 आनंद विहार से चलेगी, जो कि 28/4/2024 से 30/6/2024 तक प्रति रविवार चलेगी, वीक में एक बार। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये टोटल सामान्य ही रहेगा, यानी कि यहाँ पे जनरल कोच ही देखने को मिल रहा है। अब उसके बाद से अगली जो ट्रेन है आप देख सकते हैं कि ये छपरा आनंद विहार से छपरा चलेगी, 18 फेरे टोटल होने वाले हैं, और उसके बाद से ट्रेन का जो नंबर है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं अप एंड डाउन दोनों का ही, और टाइमिंग भी आप देख सकते हैं। देखिए ये चलने का टाइमिंग है, पहुंचने का टाइमिंग है, देखिए इसमें भी सेम आपको देखने को मिल रहा है। देखिए जो चलने की तिथि है यानी कि दिनांक है वो आप देख सकते हैं, 0/3/23 छपरा से दिनांक 29/4/2024 से चलेगी और 26/6/2024 तक ये ट्रेन चलने वाली है, जो कि सोमवार को चलेगी। और यहाँ पे 53/24 है आनंद विहार से 30/4/2024 से 25/6/2024 प्रति मंगलवार चलेगी। इनमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन से कोच लगाए गए हैं और ये कहाँ कहाँ से होकर के गुजरने वाली है, कहाँ कहाँ पे रुकने वाली है। यहाँ से आप कहीं से भी जाने वाले हैं तो इन स्टेशन से अपनी यात्रा कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अगली जो ट्रेन है आप देख सकते हैं यहाँ पे रेलगाड़ी का नंबर देखने को मिल रहा है अप एंड डाउन का, और इसके टोटल 30 फेरे होने वाले हैं। जी अपने देखिए बहुत ही बढ़िया यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि गोरखपुर से लोकमान्य तिलक चलेगी। आप देख सकते हैं कि इनका जो टाइमिंग है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टेशन का नाम भी यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो ट्रेन है आप देख सकते हैं 30 फेरे लगने वाली है और इसका जो नंबर है 0/3/25 गोरखपुर से 25/4/2024 से 10/5/2024 तक चलेगी, और यहाँ पे आप देखते हैं 27/4/2024 को छोड़कर, यानी 27/4/2024 को नहीं चलने वाली है,
और 053326 लोकमान्य तिलक से दिनांक 27/4/2024 से लेकर के 12/5/2024 जो कि 29/4/2024 को छोड़ करके यानी कि इस दिन नहीं चलेगी और ये प्रतिदिन चलने वाली है। देखिए ये रोज रोज चलने वाली ट्रेन है। अब देखिए उसके बाद से आप देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा कोच लगा हुआ है, थ्री टीयर और शयनयान और सामान्य आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं किस किस स्टेशन से होकर के गुजरने वाली है, इस स्टेशन से आप इस ट्रेन पे यात्रा कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगली जो ट्रेन है हमारी वो कटिहार से आनंद विहार है और इसका जो नंबर है वो आप देख सकते हैं अप एंड डाउन का, और यहाँ पे इनका टाइमिंग भी देखने को मिल रहा है कब से चलेगी, कब पहुंचाएगी और यहाँ भी कब से चलेगी और कब पहुंचाएगी। उसके बाद चलने की तिथि आप देखते हैं 057121 कटिहार से चलेगी जो कि 24/4/2024 से चलेगी 26/6/2024 तक जो कि साप्ताहिक है इसलिए बुधवार को चलेगी। अब यहाँ गाड़ी नंबर आप देख सकते हैं 057122 आनंद विहार से चलेगी दिनांक 25/4/2024 से 27/6/2024 तक चलने वाली है। अब इसके अलावा इनका आप देख सकते हैं कौन कौन से कोच इसमें लगे हुए हैं और कौन कौन से स्टेशन से आप यात्रा कर सकते हैं यानी कि किस किस स्टेशन पे ये रुकने वाली है। इसके बाद और भी यहाँ पे ट्रेन देखने को मिल रहा है। देखिए ऊपर की साइड से हम देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए इस साइड आपको देखने को मिल रहा है आनंद विहार से छपरा चलने वाली है ग्रीष्मकालीन स्पेशल ट्रेन जो कि द्विसाप्ताहिक है यानी कि हफ्ता में दो दिन कम से कम चलेगी। आप देख सकते हैं कि ये इसके 36 फेरे लगने वाले हैं। जी हाँ फ्रेंड्स देखिए मुझे तो लग रहा है सबसे ज्यादा फेरे इसी वाले ट्रेन के लगने वाले हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं चलने की जो तिथि है वो आप देख सकते हैं 053305 है, छपरा से दिनांक 30/4/2024 से चलेगी 28/6/2024 तक और मंगलवार और शुक्रवार दो दिन चलेगी हफ्ते में आप यात्रा कर सकते हैं। अब देखिए उसके बाद से 053306 आनंद विहार से चलेगी जो कि 1/5/2024 से चलेगी 29/6/2024 तक बुधवार और शनिवार को चलेगी यानी हफ्ते में दो दिन। अब इसके बाद से इसमें आप कोच देख सकते हैं कौन कौन सा कोच है इसमें आप यात्रा कर सकते हैं और ये किस किस स्टेशन से होकर गुजरेगी आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे रुकने वाली है। अब उसके बाद से आप देख सकते हैं यहाँ पे अगली जो ट्रेन है आप देख सकते हैं यहाँ पे लक्ष्मीबाई झांसी, देखिए वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी से छपरा के लिए है। आप देख सकते हैं कि इसका जो अप एंड डाउन का नंबर है वो ये है, स्टेशन का कोड दिया हुआ है और इन पे जब प्रस्थान करेगी तब से देखने को मिल जाएगा इनका टाइम भी। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है चलने की तिथि 01925 वीरांगना लक्ष्मीबाई से दिनांक 24/4/2024 से चलेगी जो कि 26/6/2024 तक चलेगी और ये बुधवार को चलेगी साप्ताहिक है इसलिए, और इसके टोटल 20 फेरे यहाँ पे देख सकते हैं 20 फेरे लगने वाले हैं। और आप देख सकते हैं 01926 जो छपरा से चलेगी वो 25/4/2024 से 27/6/2024 तक चलेगी और यहाँ पे इनका जो कोच है वो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, इसमें इकोनॉमी कोच भी है। अब उसके बाद से आप देख सकते हैं कि ये किस किस स्टेशन पे रुकेगी उसका यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स उसके बाद से ये जो ट्रेनें हैं ये कुछ खास तो नहीं है लेकिन अगर आप इस डेट में यात्रा करने वाले हैं तो अच्छा है, इनका केवल और केवल एक ही फेरा लगने वाला है। देखिए ये जो ट्रेन है जो कि एक फेरा लगने वाला है उनका यहाँ पे नाम देख सकते हैं, ये यहाँ से चालू हो रही है, देखिए यहाँ से गोरखपुर से साबरमती ग्रीष्मकालीन स्पेशल ट्रेन है, एक फेरा लगेगा। आप देख सकते हैं स्टेशन के नाम और इनके टाइमिंग भी आप देख सकते हैं और इनकी जो तिथि है आप देख सकते हैं 09490 गोरखपुर से चलेगी 25 तारीख को चलेगी 25/4/2024 को गुरुवार को, केवल एक बार चलेगी। आप इसमें देख सकते हैं शयनयानी है केवल यानी कि स्लीपर है और उसके बाद किस किस स्टेशन से आप यात्रा कर सकते हैं वो नाम देखने को मिल जाएगा। उसके बाद से आप देख सकते हैं गोरखपुर दादर ग्रीष्मकालीन जो कि एक बार ही चलेगी ये, और यहाँ पे स्टेशन का नाम देखने को मिल रहा है टाइमिंग के साथ। अब यहाँ पे चलने की जो तिथि है आप देख सकते हैं 01056 है, गोरखपुर से दिनांक 25/4/2024 को गुरुवार को ही चलने वाली है। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे हजरत निजामुद्दीन से छत्रपति शिवाजी महाराज ग्रीष्मकालीन स्पेशल ट्रेन है जो कि एक ही फेरा लगने वाला है, एक बार ही चलने वाली है। स्टेशन का नाम देख सकते हैं, टाइमिंग देख सकते हैं, इसके हिसाब से अपने ट्रेवल का प्लानिंग कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे चलने की तिथि है आप देख सकते हैं 04074 है, हजरत निजामुद्दीन से चलेगी ये ट्रेन 24/4/2024 करेंगे बुधवार को चलेगी। अभी देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे स्थान भी दिया हुआ है और यहाँ पे कोच यानी कि कोच दिया हुआ है, शयनयान एवं सामान्य इसमें रहेगा देखने को मिलेगा। किस किस स्टेशन पे रुकेगी आप देख सकते हैं,
मथुरा आगरा कैंट ग्वालियर वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी बीना भुसावल मनमाड़ रासिक रोड कल्याण और दादर स्टेशन पे रुकेगी। इसके बाद से दो ट्रेन और है आप देख सकते हैं जो कि स्पेशल ट्रेन है और ये इनका भी एक ही फेरा लगने वाला है। हजरत निजामुद्दीन से सिकंदराबाद है देखिए ग्रीष्मकालीन स्पेशल ट्रेन और इसकी जो चलने की तिथि है वो है 24/4/24 को बुधवार को चलेगी जो कि हजरत निजामुद्दीन से चलेगी। और एक लास्ट जो ट्रेन है इस लिस्ट की वो यहाँ पे आप देख सकते हैं नई दिल्ली से यहलका जंक्शन ग्रीष्मकालीन स्पेशल ट्रेन एक ही फेरा लगने वाला है और इसकी चलने की जो तिथि है वो 24/4/24 को है। नई दिल्ली से चलेगी बुधवार को चलेगी और इसमें जो कोच देखने को मिल रहा है शयन यान एवं सामान्य और यहाँ पे स्टेशन देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे ये रुकने वाली है। तो फ्रेंड्स आई होप कि इस वीडियो में हमने काफी ज्यादा डिटेल्स में एक एक ट्रेन के बारे में जाना है इनमें से किस ट्रेन में आप यात्रा करने वाले हो कौन सी ट्रेन आपके ट्रेवल प्लान के हिसाब से सुटेबल बैठ रही है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। हालांकि फ्रेंड्स ये जो लिस्ट है वो उत्तर रेलवे के द्वारा जारी की गई है इनमें से अगर कोई दिक्कत है तो आप 139 पे डायल करके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कन्फर्म कर सकते हैं। समय समय पर रेलवे के द्वारा लिस्ट जारी होती रहती है जिनके बारे में हम लेटेस्ट वीडियो लाते रहते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना और यदि इन लिस्ट में भी कोई नाम नहीं है आपकी ट्रेन का जिसपे आप यात्रा करने वाले हो तो इसके लिए अलग से मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है कि आप किस तरीके से बिल्कुल अपडेटेड ट्रेन को देख सकते हो। अभी की अभी ट्रेन लॉन्च हुई है ना तो अभी आप चेक कर पाओगे कि वो ट्रेन कहां से कहां तक चलने वाली है और आप जहां से यात्रा करने वाले हो वहां से आप यात्रा कर रहे हो तो वहां से कितनी ट्रेनें चल रही है स्पेशल वाली वो लिस्ट भी आप तुरंत के तुरंत चेक कर सकते हो। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे कमेंट बॉक्स में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आई आइकन भी दे दूंगा वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो को आप अपने दोस्त मित्रों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट किसी प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं जिससे उनकी भी सहायता हो सकती है। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।